पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करती हूं कि आप भी सारे वहां पर ठीक होंगे। आज मैं आपको लेके जा रही हूं वैनकूवर की एक सुंदर सी सिटी में। जी हाँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ननाइमो। जी हाँ, ननाइमो एक सिटी है वैनकूवर आइलैंड में, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें लेनी पड़ती है एक फेरी या सी प्लेन। तो मैं और रमित अपना सामान लेकर निकल गए हुल्लो फेरी के लिए। जी हाँ, हुल्लो फेरी ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो समंदर के किनारे हमें वैनकूवर से वैनकूवर आइलैंड लेकर जाता है। तो आइए चलिए मैप में देखते हैं कि हम एक्चुअल में कहाँ जा रहे हैं। तो इस वक्त हम हैं वैनकूवर, वैनकूवर के वैनकूवर पोर्ट पर, जहां से चलती है हुल्लो फेरी। हुल्लो फेरी हमें लेकर जाने वाली है वैनकूवर आइलैंड। वैनकूवर और वैनकूवर आइलैंड ये दोनों ही सिटीज जो हैं वो आपस में लैंड से नहीं जुड़ी हुई। आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए लेना पड़ता है कोई भी मोड ऑफ ट्रेवल सी से। सी प्लेन ले सकते हैं आप या फेरीज ले सकते हैं। तो वैनकूवर आइलैंड में हम जाएंगे आज ननाइमो। ननाइमो एक बहुत सुंदर सी सिटी है, शांत है, सुंदर है और बहुत ही प्यारा माहौल है वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं ननाइमो। सो ननाइमो पहुंचकर हम गए अपने एयरबीएनबी में। जी हाँ, ये सुंदर सा जो आप देख रहे हैं ना घर, यही है हमारा एयरबीएनबी, एक सुंदर सी छोटी सी पहाड़ी के ऊपर, और नज़ारा पूछो ही मत। ये है एयरबीएनबी के अंदर का थोड़ा सा नज़ारा। हमारा एक छोटा सा बेडरूम, बेडरूम में था माइक्रोवेव, फ्रिज और स्टडी टेबल भी। और ये था वॉशरूम, और वो रही मैं शूट करते हुए अपने एयरबीएनबी को। दिस इज ननाइमो डाउनटाउन, वाटरफ्रंट के पास है और छोटा सा डाउनटाउन है। ये रहे मैं और रमित। डाउनटाउन पहुंचकर हमें लगी थी बहुत जोरों की भूख, तो हमें दिखा ये एक सुंदर सा रेस्टोरेंट नूडल बॉक्स, और पता चला कि जो ओनर है वो इंडियन ही है, तो उसको हमने कहकर अपने लिए एक चाउमीन मंगवाई। सच मानिए बहुत टेस्टी थी, ऐसी चाउमीन मैंने अभी तक तो नहीं खाई है कनाडा में। सो 5 out of 5 फॉर दिस चाउमीन। उसके बाद हम गए वाटरफ्रंट का कुछ नज़ारा इंजॉय करने, और वाटरफ्रंट का नज़ारा इंजॉय करते करते रमित ने मुझे बोला भागो, क्योंकि वो थी दूर वहाँ पर एक शिप जो बस
निकल रही थी पोर्ट से और मैं चाहती थी कि मैं इसको शूट करूं। तो आपको बता दूं कि ये जो आप ब्लू कलर की शिप देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं कार कैरियर। कार्स जो हैं, जो ब्रांडेड कार्स हैं या नॉर्मल कोई भी कार्स हैं, वो एक देश से दूसरे देश इसी शिप में ही आती जाती हैं। और लीजिए ये आगे हमारी बीसी फेरी भी। जी हाँ, ननाइमो पहुंचने के लिए आप हुलो फेरी ले सकते हैं या बीसी फेरीज ले सकते हैं। बीसी फेरीज का ये फायदा है कि आप अपनी कार्स इसमें साथ में लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत ज्यादा जगह होती है। कार्स आप अपनी यहाँ पे लोड कर लेंगे और जैसे ही आप अपने पोर्ट पर पहुंचेंगे वहाँ पे अनलोड हो जाएगी। हुलो फेरी फास्ट है, महंगी भी। बीसी फेरी थोड़ी सस्ती है और किफायती भी। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कनाडा में हम सड़कें कैसे क्रॉस करते हैं। ऐसे नहीं क्रॉस कर लेते हैं जैसे इंडिया में करते हैं। यहाँ पे पोल्स पे प्रॉपर बटन्स लगे होते हैं डायरेक्शन वाइज। जैसे भी आप एक बटन को दबाएंगे उसके बाद आपको करना है वेट। सामने जैसे ही आपके और की नंबरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, आप तभी ही सड़क क्रॉस कर सकते हैं। है ना एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। अगले दिन हम निकले ननाइमो सिटी की दूसरी ओर। और जैसे कि पंजाबियों में हमेशा होता है, बाहर गए नहीं कि भूख शुरू, तो वैसे ही मुझे और अमित को लग गई फिर से भूख। तो हमने ढूंढा ये एक इंडियन रेस्टोरेंट, द मसाला कल्चर। इसके रिव्यूज ऑनलाइन भी बहुत अच्छे थे। अंदर जाकर हमने थोड़ी सी फोटोज खिंचवाई और ये था रेस्टोरेंट का अंदर का व्यू। सच मानिए खाना सच्ची में बहुत टेस्टी था, स्पेशली द गार्लिक नान्स। अगर कोई जा रहा है ननाइमो तो ये रेस्टोरेंट जरूर ट्राई करें। वेलकम टू मैफियो सटन पार्क इन ननाइमो। ननाइमो का एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। हिस्ट्री मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ था बहुत सुंदर। और साथ ही इस पार्क में आपको ननाइमो का साइन भी मिलेगा, जहाँ पर आपने अक्सर, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अक्सर इसी ही साइन के पास आपको इसकी बहुत सारी फोटोज मिलेंगी। और ये था मेरा ननाइमो का 2 दिन का ट्रिप। ट्रिप छोटा था लेकिन इंटरेस्टिंग था। आई प्रॉमिस कि गर्मियों में मैं जब भी जाऊंगी ननाइमो तो बहुत सारा शूट कर कर आऊंगी। इस बार मौसम थोड़ा सा खराब था। अगले तो चलिए अब चलते हैं वापस वैनकूवर। वैनकूवर जाने के लिए हम फिर से पहुंचे हुलो फेरी के पोर्ट पर। वो लगी है हुलो फेरी और ये था हुलो फेरी का वेटिंग एरिया। इस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि पूछिए मत। हमें लग रहा था शायद हुलो फेरी ही ना कैंसिल हो जाए।
लेकिन गॉड वॉज ऑन आर साइड एंड इट डिडंट गेट कैंसल्ड। अंदर था ये सुंदर सा एक वेटिंग एरिया जहाँ पर हमने तकरीबन 3-3.5 घंटे वेट किया होगा, और वेट करते करते हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि पूछो मत। आइए मैं आपको दिखाती हूँ फेरी की टिकट्स कैसी होती हैं। तो ये आप जो फ़ोन में देख रहे हैं ना, ये है हुलो फेरी की टिकट्स। फाइनली द बोर्डिंग स्टार्टेड और हम निकल पड़े अपने बैग लेकर हुलू फेरी की तरफ। Finally, we have reached to our beautiful city of Vancouver. This was all about my trip to Nanaimo. I hope to see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye-bye.